हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबल इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज सीरियलाइजेबल ये क्वेश्चंस आपको तब करने जब आपको सीरियलाइजेबल क्या होता है वो समझ आ जाए ठीक है उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कीजिएगा अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे यूट्यूब पे भी मेरे चैनल पर कमेंट डाल सकते हैं ठीक है थीके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आपके पास एक शेड्यूल गिवन है टी और टी जिसमें दो ट्रांजेक्शन है फाइन आप टी इनिशियली क्या रीड करा ए डेटा आइटम को उसके बाद टी ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया ए और बी पर रीड ऑपरेशन ऑन बी डेटा आइटम अब आपको यह शेड्यूल देखकर समझ आ गया होगा कि कौन सा शेड्यूल है यह कनकर शेड्यूल कैसे क्योंकि देखिए सबसे पहले टी टू ने अपना काम स्टार्ट किया उसके बाद टी वन ने काम किया फिर उसके बाद वापिस कहां आ रहे हैं हम टी टू पर आ रहे हैं तो क्या हुआ अब आपके पास टी वन और टी टू दो ट्रांजेक्शन टी टू ने सबसे पहले काम किया टी टू ने एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद किसको कंट्रोल प्रोवाइड करा दिया टी वन को टी वन ने अपने दो राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए उसके बाद कंट्रोल किसको वापस कर दिया टी टू को इसके लिए ठीक है तो आप क्या देख रहे हैं आप एक साइकिल जनरेट हो रहा है एक लूप बन रहा है ठीक है अगर एक लूप बन रहा है तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये जो शेड्यूल गिवन है दैट इज कंकरेंट कन कर इसको चेक करके बताना है कि ये सीरियलाइजेबल है या नहीं है सीरियलाइजेबल की आपको कंडीशन याद होनी चाहिए क्या कंडीशन बताया था मैंने कि जब शेड्यूल का रिजल्ट आपके किसी भी सीरियल शेड्यूल के इक्विलेंट अगर होगा तो वो सीरियलाइजेबल होगा अदरवाइज नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा देखिए कैसे अब आपके पास ट्रांजेक्शन है यहाँ पर दो T1 और T2 तो अगर मैं इस सीरियल की बात करती हूँ तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं या तो टी वन गोज टू टी इसका मतलब क्या है कि पहले टी ऑपरेशन परफॉर्म करेगी उसके बाद टी तभी तो सीरियल बनेगा ठीक है दूसरा क्या है आपके पास पहले T2 अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेगी उसके बाद T1 कर लेगी ठीक है ये भी एक सीरियल शेड्यूल बनेगा क्योंकि सीरियल शेड्यूल में बताया था मैंने कि पहले एक ट्रांजेक्शन को जितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं पहले वो करेगी उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन करेगी ठीक है तो इस टाइप से क्या होगा कि हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं टी वन गोज टू टी टू और टी टू गोज टू टी वन अब हम इनको लिख लेते हैं टी वन और टी टू अब टी वन गोस टू टी वन टी टू इसका अब क्या होगा कि टी वन ने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए राइट ऑफ ए राइट ऑफ बी ठीक है दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए रीड ऑफ ए और रीड ऑफ बी फाइन अब बात आती है यहां पर टी टू गोज टू टी वन अगेन एक बार हम इसका सीरियल शेड्यूल बना लेते हैं टी टू गोज टू टी वन का क्या मतलब है टू पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऑपरेशन कौन कौन से हैं रीड ए और रीड ऑफ ऑफ और इसके बाद परफॉर्म करेगा वो क्या है राइट ऑफ ए और राइट ऑफ बी फाइन अब आपने सीरियल शेड्यूल तो लिख लिए हैं दोनों जो आपके पास पॉसिबल था अब आपको इनके रिजल्ट चेक करना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे मान लीजिए ए की वैल्यू है आपके पास था और बी की वैल्यू है आपके पास ठीक है ये एग्जांपल ऑलमोस्ट मैं अपनी सभी वीडियोस में देती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इस एग्जांपल को दोबारा से रिपीट कर रही हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जा जाए ठीक है इसमें क्या है आपके पास प्रॉब्लम कि ए हैज टू ट्रांसफर ध्यान से सुनना ए टू ट्रांसफर फाइव फ्रॉम अकाउंट टू बी ठीक है तो ए को क्या करना है अपने अकाउंट से 500 हंड्रेड ट्रांसफर करने बी के पास तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए के पास जो वैल्यू रहेगी वो 500 हो जाएगी और बी के पास जो वैल्यू आएगी आपकी 2500 फाइव हंड्रेड हो जाएगी फाइन अब देखिए इनिशियली ए की वैल्यू क्या थी थाउजेंड थी थाउजेंड ए ने रीड किया फाइन उसके बाद राइट ऑफ ए राइट ऑफ ए करते ही यहां पर क्या वैल्यू हो गई फाइव क्योंकि आप ए में से 500 हंड्रेड करेंगे तभी तो बी में आप प्लस करेंगे और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2500 ठीक है अब बी की वैल्यू जो रीड करेगा वो क्या हो जाएगी 2500 हो जाएगी ठीक है हो गया अब देखिए T1 वन गोड्स टू टी देखते हैं अब सबसे पहले T1 ने क्या किया राइट ऑफ ए अब ए की वैल्यू आपको पता है हमारे पास 1000 थी और बी की वैल्यू हमारे पास थी टू थाउजेंड ठीक है जब तक हमने ट्रांसफर नहीं किया अब ए ने क्या किया वैल्यू रीड राइट की है राइट ऑफ ए अब राइट ऑफ ए अगर किया है तो वैल्यू क्या राइट की की इसने फाइन उसके बाद बी की वैल्यू क्या राइट की ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है ऑपरेशन इसने, इसने परफॉर्म कर लिया ना इक्वल टू ए माइनस फाइव हंड्रेड यहां किया इसने और बी इक्वल टू बी प्लस फाइव हंड्रेड इसने यहां किया ठीक है अब उसके बाद ट्रांजेक्शन टी टू की बारी आ गई अब टी टू क्या कर रहा है टी टू ने वैल्यू क्या रीड की है कि ही करेगा, क्योंकि आपका transaction T1 write कर चुका, write करने के बाद की बारी आई है और बी की वैल्यू क्या रीड कराइए ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अब देखिए स्टूडेंट आपका जब कंकरेंट शेड्यूल था कंकरेंट शेड्यूल में क्या था कि ए की वैल्यू थाउजेंड रीड कर रहा था आपका टी टू और यहां पर जो है ए की वैल्यू फाइव हंड्रेड रीड कर रहा है ठीक है तो क्या हुआ कि ये शेड्यूल तो नहीं है आपके T1 वन गोज टू टी के फाइन अब बात आती है टी टू गोज टू टी की अब यहां पर जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है आपकी थाउजेंड और B की वैल्यू क्या है टू थाउजेंड देखिए जब तक आप कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं तो इनिशियली जो आपका A और B आपने सेट किया था थाउजेंड और टू थाउजेंड वही रहेगा ठीक है अब आप चेक कर सकते हैं

जो गिवन शेड्यूल है कंकरेंट शेड्यूल इसके इक्विलेंट नहीं है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके कंकरेंट शेड्यूल का रिजल्ट किसी भी सीरियल शेड्यूल के इक्विलेंट नहीं है ना तो आपका T1 वन गोज टू टी के इक्विलेंट आया रिजल्ट ना ही आपका T2 टू गोज टू टी के इक्विलेंट आया तो आप क्या लिखेंगे दिस शेड्यूल इज नोन सीरियलाइजेबल फाइन तो ये एक मेथड था जिसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सीरियलाइजेबल होगा या नहीं होगा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास अगेन दो ट्रांजेक्शन टी वन और टी टू रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया पहले ए ने उसके बाद बी ने उसके बाद फिर सी ने रीड ऑपरेशन किया और उसके बाद आपका ऑपरेशन किसने राइट right ऑपरेशन किसने किया टी टू ने यहां पर भी आपको फाइंड आउट करना है क्या कि ये सीरियलाइजेबल है या नहीं फाइन अब देखिए अब सीरियलाइजेबल के दोबारा से वही चेक करना पड़ेगा T1 वन गोज टू टी टू और T2 टू गोज टू टी दोनों चीजें करनी पड़ेगी अब T1 वन गोज टू टी टू में अगर मैं शेड्यूल लिखती हूं तो क्या बनेगा T1 ने जितने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो पहले करेगा ये हो गया और उसके बाद बारी आ गई T2 की इसने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया बी डेटा आइटम पर फिर इसने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया सी डेटा आइटम पर फाइन दूसरा शेड्यूल क्या कहता है हमारा? T1 और T2 तो लिखेंगे ऐसे ही अब टी टू की पहले टर्न आएगी क्योंकि आपके क्या? ने क्या क्या किया था भाई रीड ऑफ बी और राइट ऑफ सी उसके बाद रीड ऑफ ए रीड ऑफ सी फाइन आप देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए इनिशियल जो है ए डेटा आइटम को किसने रीड किया था टी वन ने किया था ठीक है बी को किसने रीड किया टी टू ने किया सी को किसने रीड किया टी ने किया तो पहले तो आप चेक कर लो कि आपके पास जैसे ये शेड्यूल है टी वन गोज टू टी टू सीरियल शेड्यूल है अब इसमें आप चेक करेंगे कि इनिशियल ए कौन रीड करा टी करा बिल्कुल ठीक है इनिशियल सी uh, को कौन रीड कर रहा है टी वन कर रहा है जो कि आपका कंकरेंट शेड्यूल में भी गिवन था एक चीज तो आपको यहां पर मिल गई ठीक है उसके बाद बी को कौन रीड करा इनिशियल टी टू कर रहा है कंकरेंट शेड्यूल में भी यही कर रहा था अभी भी यही कर रहा है ठीक है और फाइनल अपडेशन किसने किया फाइनल अपडेशन टी टू ने किया ठीक है आपको ये चेक करना है कि इनिशियल रीड कौन सी ट्रांजेक्शन किया और फाइनल अपडेशन कौन सी ट्रांजेक्शन ने किया ठीक है अब फाइनल अपडेशन टी टू ही कर रहा है आपका यहां पर ठीक है यहां पर भी ठीक है अब देखिए इस शेड्यूल में अगर हम बात करते हैं टी वन गोज टू टी टू यहां पर इनिशियल रीड किया बी ने इनिशियल ए और इनिशियल जो सी किया रीड वो टी वन ने किया बात ठीक है हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई अब C पर फाइनल अपडेशन किसने किया टी टू ने किया क्योंकि उसके बाद कोई भी फाइन अपडेशन जो है राइट ऑपरेशन T1 ने कोई भी परफॉर्म नहीं किया C पर ठीक है वो रीड कर रहा है लेकिन राइट नहीं कर रहा है ठीक है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कंडीशंस जो है आपका T1 और T2 जो आपको कंक्रेंट शेड्यूल गिवन है ये इक्विलेंट है आपके सीरियल शेड्यूल के ठीक है दोनों ही शेड्यूल के ये इक्विलेंट है तो आप इसे कह सकते हैं कि ये सीरियलाइजेबल है ठीक है तो ये शेड्यूल क्या है सीरियलाइजेबल है क्यों है क्योंकि आपने T1 वन गोज टू टी टु चेक किया और T2 टू गोज टू टी, टु टु टी चेक किया और उसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट क्या बताया कि इनिशियल रीड चेक कर लो ठीक है आपके कंकरेंट शेड्यूल का और आपके सीरियल शेड्यूल का अगर वो ठीक है उसके बाद फाइनल अपडेशन चेक कर लो कि अगर फाइनल अपडेशन उसी ट्रांजेक्शन ने की है जो आपके कंकरेंट शेड्यूल में ट्रांजेक्शन कर रखी है तो आपका रिजल्ट क्या होगा सीरियलाइजेबल होगा एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी इसको देख लेते हैं मान लीजिए ए की वैल्यू है यहां पर टेन और बी की वैल्यू है यहां पर ट्वेंटी और सी की वैल्यू है यहां पर थर्टी ठीक है अब ए के पास टेन है बी के पास ट्वेंटी है सी के पास थर्टी है फाइन और राइट किया वैल्यू थर्टी ठीक है अब ट्रांजेक्शन टी टू ने उसको डेटाबेस के अंदर राइट कर दिया ओके अब यहां पर भी वैल्यू क्या हुई ए के पास टेन थी सी के पास वैल्यू थर्टी थी कोई अपडेशन नहीं हुआ थर्टी ही ये रीड कर रहा है और थर्टी ये राइट करेगा कोई चेंज नहीं होने वाला तो रिजल्ट आपका सेम रहेगा ठीक है क्योंकि आपको यहां पर यह चेक करना था कि रीड करने के बाद कोई अपडेशन तो नहीं, करा, टीटू कोई नहीं कर रहा कोई अपडेशन नहीं कर रहा ये ठीक है थीके? तो सिमिलरली आप यहां पे भी चेक कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन जो कंकरेंट शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है ठीक है अब हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं थर्ड yes, एग्जाम्पल यहां पर भी अगेन आपको चेक करके बताना है कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं है अब यहां पर students. Serializable के लिए फिर से मैं वही बात बोलूंगी आपको आपको क्या लिखना टी वन गोज टू टी टू और टी टू गोज टू टी वन फाइन अब टी वन और टी टू के शेड्यूल लिख लो उसके बाद यहां पर t1 और t2 के शेड्यूल लिख लो। यहां पर कैसे लिखोगे t1 गोस टू t2 के जो t1 ने ऑपरेशंस परफॉर्म किए पहले हम वो लिख लेते हैं भाई ठीक है रीड ऑफ a राइट ऑफ b उसके बाद हम यहाँ पे t2 के पास आ जाते हैं इसने b को रीड किया उसके बाद इसने इसको राइट किया सिमिलरली t2 गोस टू t1 में क्या है पहले t2 के सारे ऑपरेशंस लिख लेते हैं इसने क्या किया रीड ऑफ b किया राइट ऑफ b किया उसके बाद रीड ऑफ ए ट्रांजेक्शन वन ने किया देन राइट ऑफ बी देशन वन ने किया ठीक है इतना तो समझ आता है इजीली आप बना सकते हैं किसी भी कंकरेंट शेड्यूल का सीरियल शेड्यूल इस तरीके से ठीक है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अब आपको अगेन वही ट्रिक फॉलो करनी है ट्रिक क्या बताया था मैंने कि इनिशियल रीड ए को किसने किया टी वन ने किया यहां पर क्या हो रहा है इनिशियल ए को किसने रीड किया टी वन ने किया बात बनती नजर आ रही है मुझे उसके बाद रीड इनिशियल बी को किसने रीड किया टी टू ने किया इनिशियल बी को किसने रीड किया टी टू ने किया ठीक है यह बात भी ओके okay है अब आती है बात कि टी टू ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके बाद टी ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो फाइनल जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया वो किसने किया टी ने किया यहां पर हम बात कर रहे हैं सेम डेटा आइटम की यहां पे बी है ना पहले बी ने जो सॉरी ट्रांजेक्शन टी टू ने बी की वैल्यू कुछ लिख दी उसके बाद अगेन कोई चेंजेस किया टी वन ने और फिर बी की वैल्यू लिख दी तो परमानेंटली जो कौन सी वैल्यू स्टोर होगी परमानेंटली जो टी वन ने जो ऑप्डेशन किया बी पर वही स्टोर होगा ठीक है तो फाइनल अपडेशन बी पर किसने किया है यहां पर टी वन ने किया देखो रीड की बात तो आपको समझ आ गई है कि यहां पर ए रीड किया इसने इनिशियली और बी रीड किया ट्रांजेक्शन टी टू ने लेकिन यहां पर फाइनल अपडेशन कौन कर रहा है ट्रांजेक्शन टी टू कर रहा है ठीक है अगर ट्रांजेक्शन टी टू कर रहा है तो ये जो सीरियल शेड्यूल होगा टी वन गोज टू टी टू इज नॉट शेड्यूल ठीक है अब हम चेक कर लेते हैं दूसरे शेड्यूल को कि, क्योंकि देखो आपको दोनों ही शेड्यूल चेक करने हैं ठीक है ये वाला शेड्यूल भी चेक करना है ये वाला किसी के भी अगर इक्विवेलेंट आ जाता है तब भी आप इसको कहेंगे कि ये सीरियलाइजेबल है ठीक है एक ऑप्शन तो चलो गलत हो गया दूसरे की तरफ बात करते हैं अब देखो इनिशियल रीड किसने किया बी को टी2 ने किया बिल्कुल ठीक आ गए ठीक है उसके बाद अपडेटेशन किसने किया यहां पर टी2 ने किया ठीक है देन इनिशियल रीड किसने किया किस यहां पर ए को ए की बात कर रही हूं मैं यहां पर ए डेटा आइटम की देखिए ध्यान रखना है आपको डेटा आइटम क्या है अगर सेम है तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी अदरवाइज नहीं होगी ठीक है तो इनिशियल जो T1 ने क्या किया ए को रीड किया okay किसने किया था आपके कंकरण शेड्यूल में दोबारा से चेक करो टी ने किया था आपको क्या मिल रहा है फाइनल अपडेशन किसने किया यहाँ पे टी ने किया है इसका मतलब क्या है इनिशियल भी आपका ओके okay हो गया फाइनल अपडेशन आपके टी ने ही किया है तो आप कह सकते हैं T2 टू गोस टू टी वन इक्विवेलेंट टू गिवन कंकरेंट शेड्यूल अगर ये इक्विवेलेंट है तो आप क्या बोलेंगे कि दिस पर्टिकुलर कंकरेंट शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल ठीक है तो आप इसे सीरियलाइजेबल बोलेंगे फाइन मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ स्टूडेंट्स तो प्लीज इनको ध्यान से देखना हर एक में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास क्या है वही शेड्यूल गिवन है टू शेड्यूल तो पहला काम तो जो आपको करना है वो आप फटाफट कर दो कि आप इनके शेड्यूल बना दो सीरियल ठीक है अब सीरियल शेड्यूल बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए आपको टीवन में क्या किया रीड ऑफ ए देन राइट ऑफ बी राइट ऑफ बी इतना कर लेंगे ठीक है अब इधर आ जाओ t1 और t2 लिखो पहले उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर t2 टू गोज टू टी है इसका मतलब t2 के ऑपरेशन पहले आएंगे टू के क्या क्या ऑपरेशन फटाफट बोलो रीड ऑफ बी और राइट ऑफ बी ये ऑपरेशन है इसके बाद हम ए के पास आ गए ए ने क्या किया राइट ऑफ ए ओ, ओ, read of A और सॉरी रीड ऑफ ए और राइट ऑफ बी ठीक है ये आपने सीरियल शेड्यूल बना लिए हैं कंकरेंट शेड्यूल के अब आपको वही चेक करना है कि ये सीरियलाइजेबल है या नहीं ये सीरियलाइजेबल के लिए आपको इनके रिजल्ट्स को इसके साथ चेक करना पड़ेगा अब देखिए टी ने इनिशियल रीड किया किसको ए को टी ने इनिशियल रीड किया किसको बी को ठीक है पहले तो हम इसकी इनिशियल रीड वाली बात ही देख लेते हैं इनिशियल टी वन को टी वन ने किसको रीड किया ए को ओके okay है ये कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब B को किसने रीड किया इनिशियली टी टू ने ये भी ठीक है मेरा अब देखिए स्टूडेंट ट्विस्ट कहां आता है कि पहले बी डेटा आइटम को टी वन ने राइट किया उसके बाद डब्ल्यू सॉरी oh, t2 ने राइट किया तो फाइनल अपडेशन किसने परफॉर्म किया यहां पर t2 ने किया और यहां पर आपको क्या मिल रहा है फाइनल अपडेशन किसने परफॉर्म किया t2 ने किया यानी कि आपकी ये कंडीशन भी ट्रू हो गई अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आप कह सकते हैं कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल है बिल्कुल कह सकते हैं ठीक है एक बार इसको भी चेक कर लो अब इनिशियल रीड किसने किया इसको b को t2 ने किया ओके है A को किसने रीड किया टी वन ने किया ये भी ठीक है अब फाइनल अपडेशन यहां पर किसका हो रहा है आपका सेम डेटा आइटम की बात कर रही हूं सेम डेटा आइटम मतलब बी की बात कर रही हूं बी पे इस फाइनल अपडेशन किसने किया टी वन ने किया इसका मतलब फाइनल अपडेशन कंकरेंट शेड्यूल में कौन कर रहा था टी टू कर रहा था आपको क्या मिल रहा है यहां पर टी वन रहा तो ये जो आपका शेड्यूल होगा टी टू गोज टू टी वन दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू कंकरेंट शेड्यूल बट टी वन गोज टू टी टू इज इक्वलेंट टू दिस गिवन कंकरेंट शेड्यूल तो आप कह सकते हैं किसी भी कोई भी आपको सीरियल शेड्यूल मिल जाए या तो ये मिल जाए और या ये मिल जाए क्योंकि हम वहां पर लिखते हैं एनी ऑफ द सीरियल शेड्यूल कंकरेंट रिजल्ट शुड बी इक्वलेंट टू एनी ऑफ द सीरियल शेड्यूल देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर कंकरेंट शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल तो किसी भी शेड्यूल के इक्वलेंट मिलना चाहिए था मुझे इसके इक्वलेंट मिल गए कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं इसको लिख देती हूँ कि हाँ भाई ये तो सीरियलाइजेबल है ठीक है तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है प्लीज आप इनके प्रैक्टिस कीजिएगा आगे भी, भी बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले सीरियलाइजेबल के ऊपर लेकिन उसके लिए पहले हम सीरियलाइजेबल की टाइप पढ़ेंगे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है तब तक लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा मिलती हूँ नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल तो कर कर इससे क्या होगा कि आपको मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी मैं आती हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक आप इनका प्रैक्टिस कीजिएगा